गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास इलेवेंथ की पोएम द लैबर्नम टॉप, जिसको टेड हक्स के द्वारा लिखा गया है। ये पोएम एक लैबर्नम नाम के ट्री के बारे में है और उसके रिलेशन के बारे में है, जो एक सुनहरी चिड़िया के साथ उसका संबंध है। लैबर्नम होता है अमलतास का पेड़ है, लैबर्नम अमलतास के वृक्ष की कहानी है, जिस पर एक सुनहरी चिड़िया सोनपरी रहती है, गोल्डफिंच सोनपरी रहती है। जब वो सोनपरी उस वृक्ष पर आती है तो वो वृक्ष ऐसा लगता है जैसे जी उठा हो, उसमें जीवन आ गया हो, और जब गोल्डफिंच सोनपरी वहाँ से चली जाती है तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल मृत समान हो गया हो, उसमें कोई जीवन ना रहा हो। तो द लैबर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, ए फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल सीड्स फॉलन। इन द आफ्टरनून, दिन के तीसरे पहर में पीली धूप में द लैबर्नम टॉप इज साइलेंट, जो लैबर्नम टॉप है अमलतास का पेड़ है, बिल्कुल शांत है, साइलेंट शांत और स्टिल स्थिर है, शांत और एकदम स्थिर है। ए फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्तियां इसकी पीली हो रही हैं, येलोइंग पीली हो रही हैं और ऑल द सीड्स फॉलन, और इसके सारे बीज गिर चुके हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, जब तक सोनपरी इस पर नहीं आती है, विद ए ट्विचिंग चिरप, जब सोनपरी इस पर आती है एक चहचहाट के साथ, तब तक यह बिल्कुल शांत रहता है। ए सडननेस स्टार्टलमेंट, अचानक चौंकाने वाली आवाज़ के साथ, एट ए ब्रांच एंड, एक ब्रांच के एक शाखा के छोर पर, डेंस लीक एज ए लिजार्ड, और बिल्कुल छिपकली के समान पतली सी, एंड अलर्ट और बहुत ही सावधान, एंड अब्रप्ट और अप्रत्याशित, सी एंटर्स द थिकनेस, सी यहाँ गोल्डफिंच के लिए आया है कि वो प्रवेश करती है लैबर्नम टॉप, अमलतास के वृक्ष की जो पत्तियों की सघनता है उसमें प्रवेश करती है, इसका मतलब होता है सघनता, इसकी सघनता में प्रवेश करती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, और एक ऐसा लगता है जैसे कि कोई मशीन शुरू हो गई हो, ऑफ चिटरिंग चहचहाने की, एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स और पंखों के फड़फड़ाने की, एंड थ्रिलिंग और पूरा वृक्ष रोमांचित हो रहा हो, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा वृक्ष पेड़ कंपन करने लगता है और रोमांचित हो उठता है, ट्रेम्बल कंपन करना थ्रिल्स रोमांचित होना, तो पूरा पेड़ रोमांचित हो उठा हो। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, इट इज़ यानी जो ये आवाज़ हो रही है, इसको पोइट ने कहा है कि ये गोल्ड फिंच के परिवार का इंजन है, कि गोल्ड फिंच का जो परिवार है वो इसके पेड़ के लिए एक तरह से इंजन का काम कर रहा है। सी स्टोक्स इट फुल, स्टोक्स यानी ईंधन, ये इसको ईंधन से भर देती है, ये मतलब सी यहाँ ले गोल्ड फिंच के लिए आया, गोल्ड फिंच उसको आवाज़ रूपी ईंधन से भर देती है। देन फ्लर्ट्स आउट टू ए बर्ड टू ए ब्रांच एंड, और तब किसी शाखा के छोर पर फुदकती है, शोइंग हर बेयर्ड आइडेंटिटी, अपना धारीदार
चेहरा दिखाती हुई, बियर्ड फेस, धारीदार चेहरा, धारीदार चेहरा दिखाना, दिखाना, तो उस चेहरे को दिखाती हुई ये उड़ती है। और अब ये चेहरा ही इसकी क्या बन गया है, इसका मास्क बन गया है। Then with airy, delicate, fishel, cheer up, whisperings, she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty. तब airy यानी अद्भुत, airy होता है अद्भुत। अद्भुत delicate नाजुक, विशल चीयर अप सीटी जैसी आवाज, सीटी जैसी आवाज, तो तब अद्भुत नाजुक हल्की सी सीटी जैसी आवाज करती है और एक हल्की सी फुसफुसाहट के साथ सी लॉन्चेज अवे, लॉन्चेज अवे उड़ जाना, वो उड़ जाती है, लॉन्चेज अवे उड़ जाती है टुवार्ड्स द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है अनंत, यानी जिसका कोई अंत न हो, अनंत आकाश की ओर उड़ जाती है, अनंत आकाश की ओर उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और अमलतास सबसाइड्स रह जाता है, एम्प्टी मीन्स खाली, और अमलतास फिर से खाली रह जाता है, यानी वो फिर ऐसा ही हो जाता है जैसे ही चिड़िया उस पेड़ को छोड़कर जाती है, वो फिर से मृतप्राय हो जाता है। तो ये थी हमारी इसकी पोइम की एक्सप्लेनेशन, मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ बर्ड्स हैं, इनको देख लेते हैं कि बर्ड्स में क्या है। लेबरनम टॉप ए शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेज, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स, यानी लेबरनम एक ऐसा पौधा होता है, अमलतास का पौधा होता है, जिसकी शाखाएं झूलती रहती हैं और इस पर पीले रंग के फूल आते हैं और इसके बीज जहरीले होते हैं। गोल्डफिंच एक सुनहरी चिड़िया होती है, जिसको हम सोन परी भी कह सकते हैं, इसके जो पंख होते हैं बिल्कुल सुनहरे रंग के होते हैं, इसलिए इसको गोल्ड फिंच कहा जाता है। तो आई थिंक आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।